Bismillahirrahmanirrahim. Assalam alaikum students. Aaj hum discuss karenge matrix space ka theorem number 3, jiski statement hai finite subset of a matrix space has no limit point. To aate hain theorem ke proof ki taraf. Hum suppose karte hain matrix space, let x, d be a matrix space. Be a matrix space. ये हम लोगों ने एक matrix space suppose की है and A is a finite subset of X. हम लोगों ने prove करना है A derived is equal to empty set. A derived is equal to empty set. क्योंकि हमें पता है जो set A के तमाम limit point पर consist होता है ऐसे set को हम क्या कहते हैं derived set. क्योंकि हमने मालूम करना है कि इस ए का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो मींस कि हम लोगों ने ये प्रूव करना है ए ड्राइव इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं यानी कि हमने कहना है कि ए में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है. कंट्रेरी सपोज दैट x is a limit point of A. x is a limit point of A. ये हमने contrary suppose किया कि x A का limit point है. अब यहाँ पे limit point की definition इस्तेमाल होगी. वो definition क्या है? अगर x A का limit point है, तो ऐसी open bar होगी जिसका center x और वो open bar set A के at least one element को contain करेगी x के अलावा. Then open ball with center x radius r contain at least contain finite number of distinct points of A different from x. ये हम लोगों ने डेफिनेशन इस्तेमाल की है लिमिट पॉइंट की कि अगर x A का लिमिट पॉइंट कंसीडर कर लिया है तो ओपन बॉल जिसका सेंटर x होगा और वो ओपन बॉल सेट A के फाइनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट को कंटेन करेगी x के अलावा. हम सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट हमारे पास लेट x1 x2, x3 and up to so on xn be these points. इन पॉइंट्स को हम लोगों ने सपोज किया कि ये पॉइंट्स हमारे पास आके जिनको ये ओपन वॉल कंटेन कर रही है और ये वो पॉइंट्स है जो तमाम x से डिस्टिंक्ट भी है दैट इज x नॉट इक्वल टू xi और i वेरीज फ्रॉम 1 टू 10. अगर ये पॉइंट आपस में डिस्टिंक्ट है तो इनका मैट्रिक क्या होगा? इनका मैट्रिक जीरो नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक की डेफिनेशन है अगर पॉइंट डिस्टिंक्ट होंगे तो मैट्रिक जीरो नहीं होगा. हम लेट कर लेते हैं कि इनका जो मैट्रिक होगा लेट एक्स कोमा एक्स आई इज इक्वल टू आर आई और हमें ये पता है कि जो मैट्रिक होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है तो इनके मैट्रिक को हमने आर आई सपोज किया और ये लेट कर लेते हैं यहाँ पे आर प्राइम एक और हमने नंबर ये आर प्राइम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आर वन आर टू आर थ्री एंड अप टू सो ऑन आर एन. तो इन तमाम का मिनिमम आर प्राइम लिया. अगर आर प्राइम को सेंटर लेकर अगर x को सेंटर लेकर r प्राइम रेडियस की ओपन बॉल ड्रा करेंगे तो वो ओपन बॉल सेट a के किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगी. नो ओपन बॉल विद सेंटर x रेडियस r प्राइम डज नॉट कंटेन्स एनी अदर पॉइंट्स ऑफ
any other points of A. क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर ये डायग्राम से ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, इसे ये सेट X आ गया है और ये इसका हम लोगों ने लिया है सबसेट A, फाइनाइट सबसेट, और ये इसका लिमिट पॉइंट आ गया. अगर X लिमिट पॉइंट है तो ओपन बॉल हमारे पास ये आ गई है, ये ओपन बॉल आ गई है. अब ये ओपन बॉल सेट A के इन n एलिमेंट को कंटेन कर रही थी, कर रही है, वो एलिमेंट यहाँ पर है, वो एलिमेंट ये मौजूद है. अब चूंकि x से इनका जो मेट्रिक है वो x1 का r1 लिया है, x2 का r2 लिया है, x3 का r3 लिया है एंड अप टू सोन, और इन मेट्रिक में से जो सबसे छोटा होगा, मिनिमम होगा, वो r प्राइम का, उसे r प्राइम का नाम दिया है. अगर x को सेंटर लेकर r प्राइम रेडियस की ओपन बॉल ड्रा करें तो वो ओपन बॉल कुछ इस तरह से होगी, और ये ओपन बॉल ऐसी ओपन बॉल है जो एक्स के किसी भी, जो ए के किसी दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगी. अगर एक्स को सेंटर लेकर आर प्राइम रेडियस की हमें एक ओपन बॉल ऐसी मिल गई है जो ए के किसी दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब होगा कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है. दिस मीन्स दैट एक्स इज नॉट, this implies that x is not a limit point of a. इसका मतलब तो ये होगा कि x a का limit point नहीं होगा, which is a contradiction, means के कोई भी a का limit point नहीं है, कंट्राडिक्शन. ये कंट्राडिक्शन आगे चूंकि कंट्रेरी, सपोज हमने ये किया था एक्स को ए का लिमिट पॉइंट कहा था, तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ गई है, इसलिए कह सकते हैं हम ए सेट ए हैज नो लिमिट पॉइंट. दिस इंप्लाइज दैट फाइनाइट सबसेट ए ऑफ एक्स has no limit point. दोबारा एक्सप्लेन किया देता हूं. लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ए एक्स का फाइनाइट सबसेट लिया है. हमने प्रूव करना है कि सेट ए हैज नो लिमिट पॉइंट, मीन्स कि हम लोगों ने शो करना है ए ड्राइव इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. कंटेररी सपोज ये कर लेते हैं x is the limit point of A. अगर x A का limit point है, limit point की definition apply की, open ball with the center x, radius r, contain the finite number of the distinct points of A, different from x, उन points को नाम दिया, ये नाम दिया, ये तमाम x से distinct है, तो इनका metric भी zero के equal नहीं होगा. फर्ज कर लेते हैं कि इनका metric r i है, जो कि positive number है, और r prime हम लोगों ने suppose किया है, इन तमाम r i का जो minimum है, वो r prime है. अब x को सेंटर लेकर एक r प्राइम रेडियस की ओपन बॉल ड्रा करें, तो ये ओपन बॉल ऐसी ओपन बॉल होगी जो a के किसी दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगी. अगर ये ओपन बॉल a के किसी दूसरे एलिमेंट को कंटेन ना करे, तो हमें ऐसी ओपन बॉल मिल गई है जिसका सेंटर तो x है लेकिन a के किसी दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होगा कि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, जो कि कंट्राडिक्शन आ गया, चूंकि हमने कंट्रेरी यही सपोज किया था कि एक्स को लिमिट पॉइंट माना था, इसी की कंट्राडिक्शन आ गया, मींस के फाइनाइट सबसेट ए ऑफ एक्स हैज नो लिमिट पॉइंट. तो हम कह सकते हैं ए ड्राइव इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. तो ये प्रूव हुआ कि ए हैज नो लिमिट पॉइंट. इस थ्योरम को हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम आर में देखें ए का कोई सबसेट, ए का सबसेट हमारे पास आ गया 1, 2, 3 एंड 4. अब चूंकि ये ए फाइनाइट सबसेट है इन आर, इन रियल लाइन आर, तो रियल लाइन आर में इस सेट ए का लिमिट पॉइंट, इस सेट ए का अगर हम ड्राइव सेट मालूम करें या सेट ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स मालूम करें, तो इस थ्योरम की मदद से हम इसे कह सकते हैं ए हैज नो लिमिट पॉइंट, ए हैज नो लिमिट पॉइंट. तो हम कह सकते हैं कि ए का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, दैट इज ए डराइव इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. जी.